गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड जय श्री राम टू एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं संगमवाड़ी, जय किशोरी जी आ रही हैं वहाँ पे श्री राम कथा करने के लिए। सो मैं जल्दी जल्दी कॉलेज से आ गई घर पे, बिकॉज मुझे कॉलेज में कोई कंपनी मिल नहीं रही थी, कोई लड़की नहीं थी जो सुनने के लिए आए साथ में। ऐसे पार्टनर तो होना ही चाहिए ना चलने के लिए, सुनने के लिए। एंड खाना वगैरह खा के हम निकलने वाले हैं राम कथा सुनने के लिए। मम्मी, मैं और आंटी हमारी नेबर निकलने वाले हैं। सो लेट्स गो। आपको भी ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूले। तो हम फाइनल पहुंच गए और ये है एंट्रेंस। सो ये कुछ इतना बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, चेयर्स वगैरह लगाया गया है। काफी बड़ा ग्राउंड है एंड समथिंग चेयर्स कुछ ज्यादा ही होगा। आपल्या पुणे शहराचे लाडके नेते, पुण्याचं भावी नेतृत्व व आम्ही सर्वजण और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि जय किशोरी जी कब आएंगी और कब अपना भजन शुरू करेंगी। ऐसे ही काफी लोग आए, काफी लोग को इनवाइट किया गया था, सबको पुरस्कार देके सम्मानित किया गया और जय किशोर जी की एंट्री हुई। जोरदार गायनी त्यांचा स्वागत करायचे। मध्ये साऊंड वाजवू नको आता, पूर्ण म्यूट कर। या ठिकाणी प्रभू श्रीरामांच्या राम दरबाराचं पूजन होत आहे। या ठिकाणी महत्वाची सूचना आहे, 2 मिनिटं थांब रे, 2 मिनिटं साऊंड थांबव। महत्वाची सूचना आली आहे, जया किशोरीजी ज्या वेळेला व्यासपीठावर जात असतील त्या वर जात के भी हर पात्रों के पास जाते हैं। लक्ष्मण सा भाई हो, पर जो है वो है कि ये शक्ति भगवान ने स्त्रियों को दी है कि उसको पता है अच्छे से। कई बार स्त्री ही भूल जाती है बात, मगर कि उसको कब कौन सा रूप लेना है, कब माँ सरस्वती का रूप लेना है, कब लक्ष्मी का रूप लेना है, कब दुर्गा का रूप लेना है और कब काली का रूप लेना है, ये उसे अच्छे से पता है। तो यहाँ सीता माता हर वक्त जानती थी कब उन्हें आगे रहना है, कब बात उनकी है ही नहीं, कब श्री राम की कथा चल रही है उनको आगे रखना है। क्योंकि एक बात बताइए, उनको जरूरत थी कि कोई आए उनको राम से बचाए। तीन
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो राम।